आ चुके हैं बस स्टैंड के लिए, तो बस स्टैंड आ चुके हैं, बस स्टैंड से पकड़ेंगे अयोध्या के लिए बस, अंदर चलते हैं। तो ये है बस स्टैंड, तो अंदर जाके पूछते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो अभी चलते हैं अंदर, तो अंदर इंक्वायरी करते हैं कि बस मिलेगी या नहीं मिलेगी। अगर एसी नहीं मिली तो फिर स्लीपर वाली जो होती है नॉर्मल बस, तो रेड कलर की होती है उसमें चलेंगे। तो बस मिल चुकी है हमें एसी वाली, तो अभी चलते हैं। देखो ट्रैफिक देखो तुम कितना लंबा लगा है, तभी तो बस नहीं निकल पा रही थी। अभी तो हमें निकले हुए आधा घंटा हो गया, अभी मुश्किल से हम 2-3 किलोमीटर चले हैं। तो अब चल रही है अयोध्या वाले रोड पे गाड़ी, अब बहुत तेज हो गई, अब खाली रोड मिल गया ना इसलिए। गाइस अयोध्या में एंट्री करते हुए देखना कितना बड़ा जाम है, जाम लग रहा है। जब तक अपन चलते हैं चाय पीने के लिए या कुछ खाते हैं, भूख लगी है बहुत देर हुई, क्योंकि 2-3 के बॉयज टाइम दिया था मैंने 2 घंटे का, हो गए 4 घंटे अभी तक हम पहुंचे नहीं है। तो अपनी चाय तो आ गई है बनके, अपनी भी आ गई है बनके, पर पता चला देखो ये ट्रैफिक नहीं खुल रहा है, ट्रैफिक पूरा लगा हुआ है। ट्रैफिक खुलेगा उससे पहले हम चाय पी लेंगे, पता नहीं क्या है, हमें नहीं पता क्या हो गया है। इतना पता कि हम एंट्री कर चुके हैं अयोध्या में। हाँ भैया हम पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी अपने श्री राम प्रभु से मिलने के लिए। तो फाइनली हमने रूम ले लिया है, तो अभी चलते हैं रूम में एंट्री करने के लिए। मेरे दोस्त लोग तो चले गए, तो मैं रिसेप्शन पर बात कर रहा था इसलिए रह गया था। तो ये कुछ लुक ऐसा है, क्योंकि यहाँ इतने अच्छे होटल नहीं है, पर ये जो था ये नया बना है, तो इसलिए हमने ये लिया है। तो हमारा रूम ये रहा, यहाँ पर चलते हैं, ये है अपना रूम। तो आप लोग देख सकते हैं ये है अपना रूम, अभी बिल्कुल नया बना है रूम, हमारे लिए ये बेड है। तो और ये हमारा ये वॉशरूम है, देखो गीजर भी लगा है। तो अभी चलते हैं सरयू नदी देखने के लिए। तो सरयू नदी इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सारे मंदिर तो बंद हैं, और अभी वहाँ पर लाइटिंग हो रही है और आरती होके हो चुकी है बता रहे थे नीचे रिसेप्शन में, तो वो देख के आते हैं क्या है कैसा है, और नाइट व्यू देख के आते हैं पूरे अयोध्या का कैसा है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं नाइट व्यू अयोध्या का। तो भाई अभी क्या हमने ई रिक्शा सरयू नदी जाने के लिए, तो जो वाइब्स हैं वो इस प्रकार की हैं। तो यहाँ एक बोर्ड लगा है श्री जन्मभूमि के लिए और हनुमानगढ़ी के लिए, दिगंबर अड्डा, कनक भवन, ये मेन रास्ता है यहाँ से जाने के लिए, जो मंदिर बनना है इवन हाँ इसी रास्ते पे बनना है। ये यहाँ पे देखो जो डेवलपमेंट हो रहा है ना पूरा, देखो ये रोड पे, देखो ये एग्जीबिशन बनाई जा रही है, एक तरह से उनकी जो लीला है वो दिखाई जा रही है। अभी तो काम चल रहा है इसलिए, तो अभी जब मंदिर बन जाएगा ना 22 तारीख का, जब पूरे कम्प्लीट है उसके बाद एक और बार आएंगे अपन। तो ये देखो साहब ये है, कितना अच्छा लग रहा है, देखो वाह यार इतना गजब लग रहा ना, आप लोगों को क्या बताऊँगा, आप लोगों को देखने में लग रहा हो, पर आप पास से देखोगे ना यहाँ के क्या मजा आ रहा है इसको देखने में यार, वाह यार वास्तव में ब्यूटीफुल लग रहा बहुत। तो अभी आ चुके हम सरयू नदी पे, तो आपको नाइट व्यू दिखाते हैं सरयू नदी का। यहाँ हैं कई सारे, तो ये सरयू नदी है, यहाँ पे इस तरीके के लोग बैठे हैं, तो ये है यहाँ सरयू नदी। तो अपन सोच रहे थे जैसे अपने वृंदावन में और जो अपने टूरिस्ट प्लेस होते हैं उस पर लाइट होती है ना, उस तरीके की लाइट, तो रंग बिरंगी लाइट होती नहीं है, पर यहाँ ऐसा नहीं है, बिल्कुल सिंपल ही है यहाँ। तो जिस जगह हम खड़े हैं उसको बोलते हैं राम घाट, और अभी हम जाएंगे लक्ष्मण घाट। तो लक्ष्मण घाट यहाँ से दूर है, वहाँ लेजर शो हो रहा है, तो वो देखने चलते हैं अगर मिल जाए तो, क्योंकि समय हो गया है 8, तो भैया बोल रहे हैं एक बार चले जाओ मिल सकता है। तो अभी चलते हैं राम लक्ष्मण घाट देखने के लिए, ये है पूरा राम घाट। तो जब तक आप राम घाट का व्यूज देखते रहे, अभी आ चुके हैं हम लक्ष्मण घाट पे, ये मेन घाट है यहाँ का, और यहीं पे दीप उत्सव देख सकते हैं। तो अभी तो यहाँ इतना क्राउड नहीं है, क्योंकि सुबह जब आएंगे तब ज़्यादा क्राउड होगा, तो हम भी सुबह आएंगे यहाँ नहाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं लोग अभी भी नहा रहे हैं, बज चुके हैं 8 रात के तब भी। तो अभी चलते हैं अपने दोस्तों के पास, ये लिख रहा था आई लव अयोध्या, तो आपको सुबह दिखाएंगे अच्छे से, अभी क्या है रात है तो कुछ दिख नहीं रहा है, तो सुबह दिखाएंगे। लेयर शो होता है वो इस जगह होता है, लेयर शो बता रहे थे। देखो ये देखो ये पूरा ये घाट है, मेन घाट ना ये वाला है, जहाँ जो वो होती है ना जब स्टेज विस्टेज लगती है जो लेयर्स होता है वो ये वाला है। तो कितनी अच्छी पेंटिंग बनाई गई है इस जगह, तो हम पूरा घूम रहे हैं, हम ये नहीं है कि हम पूरा आधा एक्सप्लोर कर रहे हैं घाट, हम पूरा घूमते हुए जा रहे हैं आगे तक, ताकि बार बार आए तो पता रहे कि क्या क्या है कैसे है, आप लोगों को भी ज़्यादा जानकारी दे सकते हैं कि आगे क्या होता है। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ के घाट तो खत्म हो जाते हैं इस जगह, देखो इस जगह कोई ज़्यादा घाट नहीं है, आपके पीछे ही मिलेंगे लक्ष्मण घाट और राम घाट पे, पर अपन देख इसलिए रहे पूरे आगे कि आगे कुछ और हो अच्छा देखने के लिए। तो अब दिखाते हैं आपको जो इस यहाँ का मेन घाट है, जहाँ दीपक जलते हैं, लेजर शो होता है,
और जो लाइटिंग होती है, और जब योगी जी मोदी जी कोई भी आते हैं ना, जब कोई फंक्शन होता है यहाँ, ये मेन वाला मेन घाट आप देख सकते हैं ये। तो हम आ चुके हैं मेन वाले पे अब, क्योंकि एक्चुअली में सब अलग है, वो तो सरयू नदी वाला है, पर जो मॉडिफाई करके जो बनाया गया है नई तरीके से, जो लेजर शो लाइटिंग वाइटिंग होती है वो यहाँ पर 7 बजे से होती है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे साथ, ये है वो, ये आ चुके हैं हम बिल्कुल जो मेन सरयू नदी है, मेन घाट है उस वाले पे। तो चलते हैं और आपको नीचे से भी दिखाते हैं। तो ये बैठ चुके हैं अपन, या वो मेरे श्री राम, बोलो श्री आवत रामचंद्र की जय। तो ये लगा है लेजर शो की लाइट है, तो ये लेजर शो की लाइट है इस सामने पड़ती हैं, तो पूरा जो लीला है राम भगवान की वो यहाँ दिखाई जाती हैं। तो हमारे पास समय नहीं था तो कल तो निकल गया, तो हम कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे, हम फिर कभी नेक्स्ट टाइम आएंगे तब आपको दिखाएंगे ये सारी चीज़ें। तो क्योंकि कल हम निकल जाएंगे जल्दी, क्योंकि हमें घर भी जाना है इसलिए। तो अभी हमने घाट घूम लिया है, तो अभी चलते हैं यहाँ की लोकल मार्केट घूमने के लिए, जो घाट के उस तरफ लगी, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तो वो वाली मार्केट देखने के लिए चलते हैं। लगी है यहाँ, लगी है ना खरीदारी करने वाली, तो आगे भी दुकान है कपड़े उपड़े की, तो दुकानें बंद हो चुकी हैं, ऐसे भी एक पीछे चाय की दुकान थी, देखो आगे आगे खुली, देखो कपड़े की, तो ये है कपड़े की दुकानें, तो बंद हो गई हैं, कुछ दुकानें खुली हुई हैं, जैसे आपको आपने पीछे दिखाए थे अभी, तो कुछ दुकान ऐसे, देखो एक ये खुली है कपड़े की। तो अभी आगे चाय की स्टॉल खुली है, तो चाय की स्टॉल पे चलते हैं, तो वहाँ देखते हैं क्या है, ऐसे पूरी है, तो अपन चलते हैं चौराहे तक, जहाँ चौराहा है। अभी आ चुके हैं हम सरयू नदी घूम, अभी आपको दिखाते हैं जो ये चौराहे पे बनाया हुआ है, ये तो ये सितार बनाया हुआ है, और ये 7 धातु का बना है। तो इस पे देखो लक्ष्मी जी की मूर्ति दिख रही होगी आपको, देखो देखो देखो, बहुत अच्छा लग रहा है, एक अद्भुत चीज बनाई गई है। तो अभी और चलते हैं आगे, फ्रंट से दिखाते हैं आपको। तो अभी आ चुके हैं अपने होटल पे, तो अभी करते हैं कपड़े चेंज, उसके बाद चलते हैं नीचे खाना खाने के लिए। तो अभी आपको सरयू का टूर करा दिया, तो सुबह चलेंगे रामलला और हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए। तो अभी हमने मंगाया खाने में दाल मखनी, मिक्स वेज और रोटी, क्योंकि पनीर वनीर भूख लग रही है, तो पनीर वनीर खा के हम थोड़ा सा परेशान हो गए थाली खा के, तो इसलिए हमने अपना घर जैसा खाना मंगाया आज। तो अभी खाते हैं खाना, क्योंकि बहुत तेज भूख लग रही है सुबह से, क्योंकि बच चुके हैं 10, तो अभी खाना खा के मिलते हैं फिर आपको। हेलो गाइस, वेलकम बैक ऋषा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो अभी हम नहा धो के हुए हैं तैयार, तो अभी चलते हैं अपने रामलला के दर्शन करने के लिए। तो बस थोड़ी देर में निकलने वाले हैं, तो दोस्त लोग तैयार हो जाए उसके बाद चलते हैं। तो आज हम आपको घुमाएंगे हनुमानगढ़ी मंदिर, रामलला दर्शन और सरयू घाट एक द्वारा से देखेंगे। तो यहाँ पर 3-4 मंदिर हैं, तो तीनों चारों मंदिर आपको दिखाएंगे, तो बने रहे आप और देखते हैं ऋषा ब्लॉग। जा चुके हैं, तो अभी बैठ चुके हैं, अभी चलते हैं मंदिर के लिए तैयार। जय श्री राम, निकल चुके हैं मंदिर के लिए, तो पहुंचते हैं मंदिर के लिए। तो ये यहाँ से वाइब्स चालू हो चुकी हैं, तो आप लोग देख सकते हैं ये है प्योर अयोध्या, जो अंदर का अयोध्या है, जो पुराना अयोध्या है, ये नगरी है अयोध्या से बोलते हैं, वही नगरी है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ घर मकान सब चीजें वही तरीके की बनी हुई है। तो ये है मंदिर जाने का रास्ता, आप लोग देख सकते हैं हनुमानगढ़ी का मंदिर। तो अभी आ चुके हैं हम हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर जाने का रास्ता, और जो लाल चोटी वाला दिख रहा है वो हनुमान जी का मंदिर है। तो चलते हैं अंदर, अंदर से दर्शन कराते हैं। वो आप लोग देख सकते हैं तोड़फोड़ चल रही है यहाँ पे, क्योंकि सभी यहाँ पे पूरी जो बाजार है ना उसका चौड़ीकरण किया जा रहा है, वो इसलिए किया जा रहा है कि एक ही पैटर्न बनाया जा रहा है। जैसे आप जयपुर में देख सकते हैं, काशी विश्वनाथ जाओगे तो वहाँ देख सकते हैं, एक ही बोर्ड एक ही कलर, इससे क्या कि लगे कि हाँ एक जैसी मार्केट है, एक जैसा पूरा बाजार है। तो ये रहा सामने, ये कुंज गलियां टाइप मान लो जैसे हमारे ब्रज में होती हैं, उसी तरह की कुंज गलियां हैं। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं वो है हनुमानगढ़ी का मंदिर, और मैं आपको दिखाता हूँ जो पैटर्न है ना, जो मैं बता रहा था आप, इस तरीके का पैटर्न पूरा बन जाएगा ये कुछ दिन बाद। मेन रोड नहीं है ये, तो रिंग रोड है अंदर आने के लिए। तो ये है वो हनुमानगढ़ी का मंदिर जिसमें हम जा रहे हैं, पहले हनुमान जी से हमें अनुमति लेनी पड़ेगी, तो चलते हैं हनुमान जी से अनुमति लेने के लिए, उसके बाद चलते हैं अंदर रामलला के दर्शन करने के लिए। तो मिलते हैं आपको अंदर पहुंच के,
लगा रहा है अपने चंदन, तो अपन लगवा रहे हैं यहाँ चंदन। राम राम वाले। एक मंदिर ये हनुमानगढ़ी मंदिर के सामने आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं था, देखो अभी सीमेंट वीमेंट हो रहा है, तो नहीं पता चल रहा है कि इतना डेवलपमेंट नहीं था जो अब हो रहा है यहाँ पे। तो आप लोग देख सकते हैं वो मंदिर बिल्कुल ऐसा है कि उसमें सीमेंट जैसे अब पेंट वेंट किया जा रहा है। तो अभी ले रहे हैं हम यहाँ से, अच्छा ये है कुर्चन पेड़ा, यहाँ की सबसे फेमस चीज। तो अभी हम ले आए प्रसाद और माला, तो अभी चलते हैं ऊपर चढ़ाने के लिए। तो ऊपर से कर दर्शन, तो यहाँ पे कुछ सीढ़ियाँ बनी है, कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कुछ ऐसा पड़ता है, तो यहाँ इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ से परमिशन लेके जानी पड़ती है रामलला दर्शन करने के लिए। ऐसे यहाँ पर लोग मानता बता रहे हैं कि पहले हनुमान जी से लेंगे, उसके बाद रामलला के दर्शन करने चलेंगे। तो यहाँ पर लगी है लाइन, तो भी लाइन लग चुकी है, काफी क्राउड है इसलिए। तो ये देखो क्योंकि आज मंगलवार है ना, इसलिए और ज्यादा भीड़ है। तो ये है हनुमान जी का मंदिर, इसलिए भाई क्राउड तो बहुत ज़्यादा है, आप लोग देख सकते हैं क्योंकि आज मंगलवार है इसलिए। तो अभी चल रहे हैं धीरे धीरे आगे, आगे आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे करके। तो आप लोग देख सकते हैं मंदिर कितना पेंटिंग वेंटिंग सब बना रखी है मंदिर की, ये पूरा परिक्रमा मार्ग है यहाँ से, तो कितना अच्छा लग रहा है मंदिर बनाने के लिए। गेट है, ये देखो यहाँ कीर्तन वीर्तन चल रहा है, ये भी मंदिर है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं ये पूरी परिक्रमा। अभी आ चुके हैं मंदिर के ऊपर, तो आपको दिखाते हैं मंदिर से ऊपर से व्यू, यहाँ से बहुत अच्छा व्यू। ये है ऊपर मंदिर की चोटी, और वो वहाँ पर लाइन लगी हुई है, नीचे भी क्राउड है, आप लोग यहाँ से पूरा मंदिर देख सकते हैं। अभी हनुमानगढ़ी के तो दर्शन करके आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। और एक है दशरथ महल, तो दोनों के दर्शन करेंगे। तो बता रहे थे भैया जिससे प्रसाद लिया कि रामलला के दर्शन करने आप लोग भी जाओगे या मैं भी जैसे गया हूँ, तो वहाँ ना तो मोबाइल अलाउ हुआ है, ना पर्स अलाउ हुआ है, ना बेल्ट अलाउ हुआ है, और वहाँ सरकारी लॉकर मिलेगा, वहीं सामान रखना है। पर हनुमानगढ़ी में ऐसा नहीं था, जब हनुमानगढ़ी में आप जाओगे तो आप पर्स मोबाइल कुछ भी ले जा सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ऐसा रामलला के अंदर नहीं होता। तो चलते हैं रामलला दर्शन करने। तो आप लोग देख सकते हैं देखो यहाँ भी काम चल रहा है, पार्क बनना शायद ऊपर इसलिए, और यहाँ साइड में पूरा जैसे मार्केट जो नया डेवलप हो रहा है अयोध्या, वो वाली नगरी बनाई जा रही है, पूरी काम चल रहा है। रामलला दर्शन कर ले, मिलते हैं आपको रामलला मंदिर पहुंच के। फिर नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सागराना हो, शरण हो राघव के, वहीं मेरा के काना हो। देखो यहाँ वाइब्स ही आपको ऐसी आएंगी क्योंकि इतना अच्छा लग रहा है ना, इतना अच्छा वाइब्स आ रही है। डेवलपमेंट तो यहाँ भी चल रहा है, अभी यहाँ भी की दुकानें बनी आ रही, पूरी मार्केट सेम पैटर्न बनाया जा रहा पूरे उसमें। तो अभी चलते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, तो आप लोगों को भी कराएंगे, पर आप लोगों को तो हम वाइब वीडियो नहीं करा सकते क्योंकि जब कैमरा अलाउ नहीं, तो हम अंदर से देख के आ सकते हैं। तो आप लोग कभी आना, तो आप लोग भी कर सकते हो जब आओगे तो। पर इतना मैं बताने वाला हूँ आप लोगों को, आपको जब भी आप आओगे तो यहाँ सुविधा अब इतनी अच्छी अच्छी होने वाली है, यहाँ पे एयरपोर्ट भी बनने वाला है, बस स्टैंड भी बनना है, पार्किंग भी बननी है, होटल्स भी बनने हैं बहुत अच्छे अच्छे, जिसमें मैंने लिया वो मेरा नया होटल है बिल्कुल, मान लो उसमें एक दो बारी कोई रुका हो, नहीं तो मुझे तो लगता है उसमें कोई रुका ही नहीं है। तो आप भी आएंगे तो आपको भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है इस जगह। बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी रोड कर दी गई हैं, पुलिस वाले हैं, सिक्योरिटी हैं, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, आपको हेल्प करते हैं बताने में कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और मंदिरों की तरह नहीं ठगाई हो। देखो यहाँ कुछ लीलाएं बना दी हैं, तो आपको लीलाएं दिखाते हैं। श्री राम भगवान की जो लीला है वो बनाई ही है यहाँ कुछ। देखो ये चल रहा है यहाँ काम इस जगह भी, तो इस जगह भी देखो तोड़ फोड़ तो इतनी हो रखी है ना कि अभी तो हम लेट आए क्योंकि सुबह है, मॉर्निंग के बज चुके हैं 9, तो इसलिए आप लोगों को दिख रहा है क्योंकि काम जो होता है वो 9 बजे से स्टार्ट हो जाता है यहाँ पर। यहाँ मैंने एक चीज़ अब तो आज भी काम चल रहा है, देखो आपको राम मंदिर दिखाता हूँ। देखो यहाँ से देखो राम मंदिर जो बना है ना, वो बनना है पीछे, आप देख रहे होंगे ये जो रखी है जैसी भी, तो वहाँ भी चलेंगे अभी थोड़ी देर में, वहाँ तक जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक दिखाएंगे आप लोगों को, क्योंकि अब पास अरेंज नहीं हो पाया है क्योंकि एक जने से बात हुई थी हमारे जानने वाले से, तो वो बता रहे थे कि पास अलाउ नहीं हो रहे हैं क्योंकि काम बहुत ज़्यादा चल रहा है और पास अभी बंद कर दिए हैं इसलिए। तो अभी चलते हैं रामलला के दर्शन करने के लिए, और रामलला के आपको दर्शन कराते हैं, अच्छे से दर्शन कराएंगे बढ़िया वाले।
यहीं है रामलला के दर्शन करने के लिए, तो हमको जाना है इस तरफ, तो अभी चलेंगे थोड़ी देर में इस तरफ, तो इधर काम चल रहा है तो इसलिए उन्होंने मना किया है, तो अभी चलते हैं अंदर और अंदर से आपको दिखाएंगे। तो जब तक अपन लॉकर में सामान रख के आ रहे हैं, तो लॉकर में रख के आते हैं सामान, क्योंकि अलाउ नहीं है इसलिए। तो यहाँ पे भी काम चल रहा है, आप लोग देख सकते हैं सामने, मतलब बता तो रहा हूँ मैं, हर जगह आपको कुछ ना कुछ काम मिलता ही रहेगा। देखो ये देखो तोड़ फोड़ हो रही है, तो आप इसकी जस्ट पीछे देखो कितनी पुरानी बिल्डिंग्स हैं जिसमें छोटी छोटी ब्रिक्स लगी हुई हैं। अब मैं मोबाइल सबमिट करने जा रहा हूँ, तो मोबाइल के बाद ब्लॉग बाद में बनाएंगे, क्योंकि मोबाइल अलाउ नहीं है अंदर इसलिए। तो अभी यहाँ तक की जर्नी है, फिर मैं दर्शन करने के बाद आपको बताता हूँ कि दर्शन कैसे हुए, क्या है, कितनी भीड़ है, क्या है, तो उसके बारे में आपको आने के बाद बताऊँगा। तो अभी आ चुके हैं हम दर्शन करके रामलला के, तो बहुत अच्छे से दर्शन हुए और थोड़ा सा टाइम लिया चेक पोस्ट में। वैसे दर्शन इतने अच्छे हुए, क्या होता बिल्कुल भीड़ नहीं थी, कम से कम 5 मिनट रुके मैं और निर्देश, तो निर्देश से पूछते हैं कैसे रहे भाई दर्शन। भाई जो अनुभूति हुई ना, मतलब इतने शांतिपूर्वक, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने आसानी से इतने सुलभ दर्शन हो जाएंगे कि हम लोग 5 मिनट रामलला के सामने खड़े होकर के चारों भाइयों के दर्शन कर पाएंगे, लेकिन मतलब एक अलग ही लेवल का था। मैं बस उसको बता भाई, शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता भाई, अब बताओ। बहुत ही अच्छा फील हुआ, दिल को सुकून मिला बहुत। तो अभी चलते हैं जानकी महल, और कौन सा है जानकी महल और दशरथ महल और कनक भवन, कनक भवन और दशरथ महल देखने के लिए चलते हैं, तो आगे आपको वो भी दिखाते हैं, तो आप बने रहें और वो भी देखें, उसका भी एंजॉय करें, घर बैठे आप एंजॉय कर सकते हैं मेरे साथ। फिर दर्शन करके निकले ना, तो हमें ब्रेकफास्ट करना, भूख लग रही है, हेल्दी चीज स्प्राउट्स खाने के बाद मैंने ये लिया है श्री राम वाला, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसा है, इस तरीके का है ये वाला। तो देखो खरीदारी करने के लिए पूरा मार्केट ओपन हो चुका है, अभी जब गए थे तब तो बंद था, देखो आपको क्राउड दिख रहा होगा लोगों का, तो यहाँ आप शॉपिंग कर सकते हैं जिसको कुछ खरीदना है ले जाना है, जैसे कि एक मैं लेके आया था अभी जो आपको दिखाया था ये वाला, ये ऐसा। तो अभी जा रहे हैं हम कनक महल, तो आ चुके हैं आपके अयोध्या नगरी में, ये है कनक महल जाने का रास्ता, तो आप लोग देख सकते हैं सामने, ये है कनक महल, कितना अच्छा लग रहा है। तो अभी चलते हैं अंदर कनक महल के, तो आपको अंदर से दिखाते हैं कनक महल, तो मंदिर काफी अंदर है, तो चलते हैं अंदर, यहाँ से मुझे तो दर्शन हो रहे हैं, आप लोगों को नहीं हो रहे होंगे। तो ये देखो आप लोग देख सकते हैं पूरा पुराना पैटर्न है, इस तरीके से आप देखते हैं हवेलियाँ टाइप, उस तरीके से कुछ कुछ है, तो महल है, तो वास्तव में महल जैसा दिख भी रहा है, इसके अंदर आके पता चल रहा है, तो आप पूरे प्रांगण में देख सकते हैं जैसा बोलते हैं महल कनक महल के नाम से, तो महल ही है। देखो यहाँ पे कुछ ये कुछ गा रही हैं, पता नहीं क्या गा रही हैं, कुछ इसको बोलते हैं गीत वीत गा रहे हैं लोग। तो अभी आ चुके हैं कनक महल देखने के लिए, तो आप लोग देख सकते हैं कनक महल, ये है कनक महल। तो पंडित जी बनाए हैं राम राम लिख के और राम जी की हनुमान जी की तस्वीर नीचे जो रखी है उस तरीके से। गाइस निर्देश का जूता छुपा दिया है एक, हमने बोल दिया बंदर लेके चल रहा है, देखो पागलों की तरह दौड़ रहा है भाई, भाई देखो 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 कैसे लगाया तेरा दौड़ने के लिए, तड़प रहा निर्देश 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 शकल दिखा दे भाई, देखो कैसे कैसे देखो कैसे रो रहा है बेचारा जूते के लिए, अरे राम। तो अभी कनक महल घूम के आ चुके हैं, तो अभी चलते हैं दशरथ महल देखने के लिए, तो एक और मंदिर बचा है, बाकी बात सारे मंदिर यहाँ खत्म हो जाते हैं, फिर अपन चलेंगे होटल, वहाँ से चेक पोस्ट करके खाना खा के और अपने घर के लिए निकल जाएंगे। तो आप लोग बताना कि कैसा लगा ब्लॉग, और तो आप लोग कमेंट में करो जय श्री राम, कम से कम जय श्री राम तो आप लिख ही सकते हो उस चीज। आप लोग भीड़ देखना, क्राउड देखना, आप कितना सारा इस जगह, सुबह हम इस मंदिर में आए थे उसका देखना, लाइन लगी पड़ी है देखो इधर। तो अभी आ चुके हैं अपन मेन रोड पे, इस रोड का भी चौड़ीकरण हुआ है, जो इस रोड पे ये वाला जो रोड था पहले बहुत छोटा था, अब इसको चौड़ा के चौड़ीकरण करके बहुत बड़ा बना दिया, लोग बता रहे हैं यहाँ पे। तो अभी आ चुके हैं हम उस जगह, जिस जगह जो शालिग्राम जी आए ना, जो नेपाल से बनाए जो मूर्तियां बनेंगी वो वाले पत्थर देखने के लिए। तो ये है वो जगह जहाँ जो पत्थर लगे हैं जिनसे मूर्तियां तराशी जाएंगी बाद में, तो अभी कराते हैं आपको दर्शन अच्छे से। ये है वो पत्थर जिनसे वो मूर्तियां बनाई जाएंगी, तरास के नेपाल वाली शालिग्राम जो है ना। अच्छा तो पंडित जी हमें बता रहे हैं वो शालिग्राम जी सबसे पहले, वो सबसे बड़ी मेन मूर्ति है, उसके बाद ये वाली मूर्तियां हैं, और भी है मूर्तियां, आप लोगों को आगे दिखाते हैं। देखो देखो एक ये है, ये देखो ओमकारेश्वर से आया है पत्थर, ये शिवलिंग है एक, ये तो इस मंदिर की है शायद, ये कर्नाटक से आई गई है तीनों पत्थर,
काफी दूर दूर से मंगाए गए पत्थर जो कि इनको तराश के इनकी मूर्तियां बनाई जाएंगी और इनको प्राण प्रतिष्ठा होगी इनकी मंदिर में। तो चलते हैं, हमने देख लिए, ये हमारे लिए अद्भुत बात है कि हम इनके दर्शन कर पा रहे हैं अभी पत्थर के, बाद में हम इन्हें मूर्तियों के रूप में देखेंगे। तो आप लोगों ने भी दर्शन की वीडियो के माध्यम से, आप लोग भी कर पाएंगे। तो इसी के साथ मंदिर होते हैं यहाँ ख़त्म। तो अपन चलते हैं होटल, होटल में खाएंगे खाना, खाना खाने के बाद फिर यहाँ से निकल जाएंगे। तो आप देखते हैं शिमला ब्लॉग। तो अभी आ चुके हम अपने होटल में लौट के। ओ ये अपना पैलेस, जो पैलेस है काफ़ी अच्छा है, भैया भी अच्छे हैं, तो उसमें काम भी चल रहा है साथ में, क्योंकि अभी अभी नए खुले हैं ना इसलिए। तो अभी आ चुके हैं हम अपने होटल पे। तो होटल पे उठने रुकने के बाद अभी थोड़ा देर फ्रेश व्रेश होके मुँह मुँह धोके तो अभी चलते हैं नीचे खाना खाने के लिए। खाना खाने के बाद अपन पकड़ते हैं बस, बस पकड़ के चलते हैं सीधा प्रयागराज, और प्रयागराज से अपन बस चेंज करेंगे दूसरी, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट बस नहीं है, या तो आपको लखनऊ जाना है और या फिर आपको प्रयागराज जाना है। तो हम जा रहे हैं प्रयागराज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे इजीली बस मिल जाएगी, और लखनऊ क्या ट्रैफिक रहता है। तो अपन जब आए थे 6 घंटा लगा था, सोचो 130 किलोमीटर चलने के लिए 6 घंटे का सफर करना, ट्रैवल करना पड़ा था। तो वहाँ से हमारी ट्रेन भी है मथुरा के लिए, इसलिए हम ट्रेन या बस दोनों में से कोई जो मिल जाएगा वो करेंगे। भैया खाना खाने के लिए तो अभी वेट करना है खाने का, अभी लगा दिया हमने ऑर्डर, तो थोड़ी देर में आएगा 5-10 मिनट में ऑर्डर। जब तक तो अभी खाना खा के हो गए फ्री, तो अभी चलते हैं रूम में और करते हैं चेकआउट। तो अयोध्या नगरी के करते हैं बाय बाय, तो मिलते हैं जब मंदिर बन जाए उसके बाद। तो तब तक के लिए जय श्री राम। तो अभी हम बस के लिए जा रहे हैं, तो इसी के साथ ये ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और बताएं कि आपको अयोध्या वाला ब्लॉग कैसा लगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जय श्री राम लिखते रहें।